हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल केन ऑफ़ बायोलॉजी विथ आशना सिद्दीकी प्लीज़ टैप द सब्सक्राइब बटन फॉर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ सो टुडेज टॉपिक का कैनाल सिस्टम इन साइकॉन क्या है हमारा आज का टॉपिक साइकॉन के अंदर कैनाल सिस्टम किस टाइप से पाया जाता है एज वी ऑल नो दिस ऑर्गेनिज्म इज एन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा ये किस फैमिली से बिलोंग करता है किस फाइलम से बिलोंग करता है फाइलम porifera We are already completed phylum protozoa। General characters of porifera and their classification। If you have not seen that videos, then you can go to my description box and watch it। So let's start the topic। जैसे कि मैंने आपको बताया हम केनाल सिस्टम पढ़ेंगे जो कि साइकॉन के अंदर होता है उनके जो स्क्रीन पे दो डायग्राम दिख रहे हैं ये बहुत ही मेन डायग्राम है इससे आप इजली साइकॉन के अंदर केनाल सिस्टम कैसे होता है वो आप इजिली समझ सकते हैं सो फर्स्टली वी विल नो वॉट इज कैनाल सिस्टम कैनाल सिस्टम क्या होता है या कैनाल सिस्टम किसे कहा जाता है द कैनाल सिस्टम इज़ द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पॉलीफेरा दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्रस कैनाल सिस्टम दिस सिस्टम सपोर्ट द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी लाइक न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन एट्सेट्रा जैसा कि मैंने बताया केनाल सिस्टम जो है फाइलम पॉरीफेरा का एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है और इसको हम एकफिर कनाल सिस्टम भी कहते हैं ये जो क्या करता है ये बॉडी के अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट फंक्शन होते हैं उनके सपोर्ट करता है जैसे कि न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्स एट्सेट्रा तो ये था हमारा कनाल सिस्टम के बारे में नेक्स्ट हम देखेंगे कैनाल सिस्टम इन साइकॉन जो हमारा मेन टॉपिक है साइकॉन के अंदर कैनाल सिस्टम किस टाइप से पाया जाता है द कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा इंक्लूड्स वेरियस पोर्स एंड कैनाल्स लाइक जो कैनाल सिस्टम है जो कि साइकॉन के अंदर पाया जाता है जो फाइलम पॉरीफेरा में होता है उसके अंदर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं छेद पाए जाते हैं और बहुत सारे कैनाल्स पाए जाते हैं जो कि इस तरह से हैं कौन कौन से हैं ये देखते हैं डर्मल ऑस्ट्रिया इनकरेंट कनाल रेडियल कनाल एक्स करेंट कनाल एंड स्पॉन्जोसील तो अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्या है ये डर्मल ऑस्ट्रिया ऑन द होल बॉडी ऑफ द साइकॉन डर्मल पोर्स कॉल्ड ऑस्ट्रिया साइकॉन की पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं डर्मल पोर्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्ट्रिया कहते हैं ऑस्ट्रियाज प्रेजेंट विच फर्दर सेंट वाटर इन टू द इनकरेंट कनाल ऑस्ट्रिया का काम क्या होता है वो वाटर को अपनी बॉडी के अंदर करके इनकरेंट कनाल में भेजती हैं क्या करती हैं पूरी बॉडी के अंदर वाटर को एंटर करती हैं और इनकरेंट कनाल के अंदर सेंट करती हैं भेजती हैं एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग टू द बॉडी पूरे वाटर को अपनी तरफ खींच के बॉडी के अंदर एंटर करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है डर्मल ऑस्ट्रिया का उसी की हेल्प से साइकॉन अपने अंदर बॉडी के अंदर वाटर को एंटर लेने देती है नेक्स्ट है हमारा इनकरेंट कनाल डर्मल पोर्स सेंट वाटर इनटू द कॉन्करेंट कनाल विच इज़ नैरो फ्रॉम इनसाइड लाइन बाय पिनेकोसाइट्स ये घिरी किससे होती है पिनेकोसाइट से कौन इनकरेंट कनाल द इनर एंड ऑफ द कनाल इज क्लोज एंड स्मॉल अपॉर्चर इज प्रजेंट इन बिटवीन द इनकरेंट कनाल एंड रेडियल कनाल कॉल्ड प्रोसोपाइल इनकरेंट कनाल एंड रेडियल कनाल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है प्रोसोपाइप थ्रो विच वाटर इज मूव इन टू द रेडियल कनाल जो क्या करती है वो हेल्प करती है रेडियल कनाल में वाटर को मूव करने के लिए भेजने के लिए क्या बताया मैंने ये रेडियल कनाल के बीच में पाई जाती हैं ये पिनेको साइड से घिरी होती हैं और इन करंट कनाल प्रोसो पाइल में प्रेजेंट होती हैं ये तीन चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है क्या क्या रेडियल कनाल के बीच में पाई जाती हैं पिनेकोसाइड से घिरा होता है और प्रोसो पायल में प्रेजेंट होती हैं तो ये था हमारा इन करंट कनाल के बारे में नेक्स्ट इसका का डाइग्राम है जो मैंने बीच में ही शो कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं क्या हो रहा है डर्मल डर्मोलॉस्ट्रिया से वाटर बॉडी के अंदर जा रहा है धीरे धीरे वो अपर साइड में ऊपर की तरफ पानी को मूव कर रहा है कैसे पहले पानी डर्मल ऑस्टिया में गया देन इन करेंट कनाल एपोपाइल रेडियल कनाल क्वानोसाइट प्रोसोपाइल देन डर्मल ऑस्टिया यहाँ पे ऊपर भी प्रेजेंट है तो वाटर ऊपर की तरफ से भी कहीं से निकल जाता है और आखिर में ऑस्कुलम की हेल्प से सारा जो एक्स्ट्रा वाटर है जो उस बॉडी को नीड नहीं है वो पानी बाहर चला जाता है तो ये डायग्राम में है अभी इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे जैसे कि रेडियल कनाल हमने क्या क्या पढ़ लिया डर्मल डरमोलॉस्टिया इनकरेंट कनाल नाउ वी स्टडी अबाउट रेडियल कनाल द प्रोसोपाइल सेंट वाटर फ्रॉम द इनकरेंट कनाल टू द रेडियल कनाल जो प्रोसोपाइल है पानी को किसके अंदर भेजता है इनकरेंट कनाल से रेडियल कनाल में द रेडियल कनाल इज बाय फ्लैटेंट सेल और क्वानोसाइट किससे की घिरी होती है फ्लैटेंड सेल से और क्वानोसाइट से जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये साइड में जो ये लेयर है येलो येलो, वो है क्वानोसाइट नेक्स्ट है हमारा एक्सकरेंट कनाल द रेडियल कनाल ओपन इन टू द एक्सकरेंट चैम्बर थ्रो एपोपाइल ओपनिंग दिस चैम्बर इज लाइन बाय पिनेकोसाइट ये भी पिनेकोसाइट से घिरी होती हैं एक्सकरेंट कनाल नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्जोसिल इट इज़ नैरो कैविटी लाइन बाय पिनेकोसाइट ये भी हमारी पिनेकोसाइड से घिरी होती है बट ये नैरो कैविटी होती है सुखड़ी हुई कैविटी होती है इट ओपन आउटसाइड थ्रू ऑस्कुलम ये ऑस्कुलम की तरफ इनका माउथ खुला होता है माउथ कह लें या फिर हम कहेंगे जो वो स्ट्रक्चर है उसका उसकी ओपनिंग कहाँ होती है ऑस्कुलम की तरफ ऑस्कुलम इज सराउंडेड बाय मायोसाइट हमने जैसे कि अभी तक सब देखा था सारे चैम्बर किससे लाइन थे पिनैकोसाइड से बट स्पॉन्जोसिल जो है माओसे साइड से होते हैं ऑस्कुलम जो है किससे सराउंड होते हैं मायोसाइड से तो ये था हमारा इस्पॉन्जोसिल के बारे में नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी इस डायग्राम की हेल्प से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रिया प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है वाटर को एक्सकरेंट कनाल के अंदर सेंड कर रहा है देन वो प्रोसोफाइल पे जाता है उसकी हेल्प से वाटर कहाँ जाता है रेडियल कनाल में उसके बाद एपोपाइल में उसके हेल्प से फिर वो कहाँ जाता है वाटर एक्सकरेंट कनाल के अंदर उसके बाद जो बॉडी का मिड पार्ट है मिडल का जो पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं स्पॉन्जोसिल्प वाटर वहाँ पे चला जाता है और फिर धीरे धीरे ऑस्कुलम की हेल्प से वाटर जो है जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर है जो हमें बॉडी को नीड नहीं है वो बाहर चला जाता है आउटसाइड किसकी हेल्प से ऑस्कुलम की हेल्प से तो ये था हमारा साइकॉन के बारे में एक हम शॉर्ट रिविज़न करते हैं क्या क्या था हमने देखा कनाल सिस्टम किसे कहते हैं पॉरीफेरा का एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है एक्फेरस कनाल सिस्टम भी कहते हैं फिर हमने देखा था कि साइकॉन के अंदर कनाल सिस्टम किस किस टाइप से पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं डर्मोलॉस्टिया इनकरेंट कनाल रेडियल कनाल एक्सकरेंट कनाल स्पॉन्जोसिल ये हमारे पाँच छः टॉपिक थे जो हमने अच्छे से क्लियर कर लिए और इस डायग्राम की हेल्प से आप शायद थोड़ा समझ भी गए होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड एस एंड यस डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल केन ऑफ बायोलॉजी विथ आशना सिद्दीकी थैंक यू सो मच